फ्री बीइंग के मतलब मूल रूप से लड़कियों में आत्मविश्वास जगाना और अपने अंदर की नकारात्मक सोच को निकाल फेंकना कि हम अच्छे नहीं हैं, ये गलत है। विश्व में यही सोच एक घर कर गई है लोगों के मन में कि महिला मतलब खूबसूरत, महिला मतलब प्रतिमा, महिलाओं को क्या घर पे शोकेस में सजाना है। अलग अलग देशों में खूबसूरती की अलग अलग परिभाषा, अब यहाँ पे याद रहे, भारत में क्या गोरी चमड़ी नहीं है खूबसूरत नहीं है? क्या गोरा नहीं होने से खूबसूरत नहीं होते हैं? खूबसूरती का वही एक पैमाना है। बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, तुम लोग जानते हो ना आमतौर पे फैशन शोज वगैरह होते हैं जहाँ पे मॉडल बन करके महिलाएं प्रदर्शन करती है और उसमें से विश्व सुंदरी यूनिवर्स सुंदरी ढूंढा जाता है। क्या हर बार गोरी नहीं महिलाओं को ही चुना जाता है क्या? क्योंकि खूबसूरती का पैमाना गोरा नहीं है। अमेरिका में सांवलेपन को खूबसूरती माना जाता है, इथियोपिया में अपने होठों में पट्टी लगा करके होठ को बड़ा किया जाता है क्योंकि वहाँ वो उसको खूबसूरत मानते हैं, बड़े बड़े होठ उसको खूबसूरती मानते हैं, तो वो वहाँ पे वैसा करते हैं। कहने का मतलब ये कि भारत में जिस खूबसूरत प्रतिमा महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, सच्चाई ये है कि वो गलत है और यही कारण है कि लड़कियों का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है जब उसमें वो पैमाना नहीं नजर आता, जब उसको लगता है कि हम गोरे नहीं हैं इसलिए हम अच्छे नहीं। नहीं, खूबसूरती में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहला तो आत्मा की खूबसूरती है। अगर आपकी आत्मा खूबसूरत है, आपके अंदर आपकी आत्मा में सेवा भाव है, इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो सकता है क्या? आप किसी की मदद करते हैं ज़रूरत में, तब आपकी तारीफ नहीं होती है? वो भी आपकी खूबसूरती है ना, वो भी आपका पहचान है ना। आप अपने आप में ढूंढें, आप अच्छा गा सकते हैं, वो भी आपकी खूबसूरती है। कोई ज़रूरी नहीं है, लता मंगेशकर बहुत खूबसूरत थी, सारा विश्व उनको उनकी जो पूजा करता भारत रत्न मानता है, ऐसे ही मानता है। न जाने कितने नेशनल अवार्ड ओम पुरी, नाम सुने ओम पुरी का, खूबसूरत हैं, न जाने कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं, दसुद्दीन शाह कितने अवार्ड जीते हैं, स्मिता पाटिल मुझे बहुत पसंद थी, मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस में से, खूबसूरत नहीं है? शबाना आज़मी बहुत खूबसूरत नहीं है? उन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे फिल्म्स किए, इतने राष्ट्रीय पुरस्कार पाए, ये उनकी खूबसूरती है, उनकी कला उनकी खूबसूरती। कहने का मतलब ये कि अगर आपके अंदर कोई कला है, कोई स्किल है, वो भी आपकी खूबसूरती है। यहाँ तक कि आपकी कोई भी चीज़, अगर कोई आपकी बालों की तारीफ करता वो आपकी खूबसूरती है, कोई आपकी दांतों की तारीफ करता वो आपकी खूबसूरती है। आप आत्मविश्वास जगाइए, मेरे दांत इतने खूबसूरत, ये आत्मविश्वास जगाने के लिए बहुत है, नहीं है क्या? मेरी पढ़ाई या मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा, ये आपकी खूबसूरती है, उस पर आत्मविश्वास जगाइए। मेरी चाल बहुत अच्छी है, हम चलते बहुत अच्छा है, कोई एक चीज़ अपने लिए ढूंढ लीजिए और आत्मविश्वास जगाइए कि हम इसमें बहुत अच्छे हैं। ये है फ्री बी, क्लैप्स गो। इसका मतलब जो फ्री बी में आप लोग सीखेंगे उसमें खास बात ये होनी चाहिए कि आपको लड़कियों को खूबसूरत बनने के लिए सोचना नहीं है कि हमको जो है फला कंपनी का पेस्ट और फला कंपनी का क्रीम लगाना है, आपको ये सोचना है कि आपके अंदर प्राकृतिक जो खूबसूरती है, प्रकृति से अच्छा खूबसूरत कुछ होता है क्या? प्रकृति ने जितने खूबसूरत रंग बिखेरे हैं उससे खूबसूरत कोई कर सकता है? तो प्राकृतिक जो खूबसूरती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके अंदर प्राकृतिक रूप से क्या खूबसूरत है इसको आप ढूंढिए और अपना आत्मविश्वास के लिए उसको प्रेरणा बनाइए। थैंक यू, क्लैप्स गो।
तो अभी हम लोग सुन रहे थे प्रिंसिपल सर से फ्री विंग मी के बारे में, यानी आपके माध्यम से सर ने आज एक क्लास लिया फ्री विंग के बारे में, आपसे आपको बताया कि आप अपने दोस्तों के बीच जाकर फ्री विंग के बारे। अक्सर हम लोग क्लास में अक्सर क्या देखते हैं, अरे तुम तो काली हो, तुम तो मोटी हो, तुम तो गोरी हो, तुम तो बेकार लगती हो, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, अरे तुम तो बहुत लंबी हो गई हो, तुम तो बहुत छोटी हो गई हो। उससे क्या होता है, हम लोग एक दूसरे का क्या कहते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को बोलकर उसके उत्साह को हम लोग घटाते हैं। तुम तो कितनी मोटी हो गई हो, अच्छी नहीं लग रही हो, और वो बार बार सोच कर अपने आप को कोसती है, तुम तो बहुत काली हो जी, तुम अच्छी नहीं हो। सर ने कितना